इस जमाने की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस क्या है? इंटरनेट। बोत्सवाना में रोड्स नहीं है लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। बुलंदशहर में पानी आए ना आए लेकिन इंटरनेट जरूर आएगा। और अनलेस आप एक कुएं के मेंढक हैं, आपको गूगल प्लस, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में जरूर पता होगा। दुनिया छोटी होती जा रही है एंड आवर टीनेजर्स आर गेटिंग बिजियर। अपनी उंगलियों के बल पे वर्ल्ड डोमिनेशन की तैयारी। एक वक्त ऐसा था जब हम अपनी फीलिंग्स अपने करीबी दोस्त या अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करते थे, लेकिन आज फीलिंग तो बाद में आती है, पहले उसका स्टेटस अपडेट फेसबुक पे पहुंच जाता है। इंटरनेट पर एक क्लिक के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। लाइफ हैज बिकम दैट कन्वीनियंट। ये वर्चुअल वर्ल्ड आज हमारे रियल वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आवर वर्चुअल वर्ल्ड हैज एक्चुअली ओवरटेकन द रियल वर्ल्ड। बट इज इट ऑल गुड? या फिर इस वर्चुअल वर्ल्ड के रियल ट्रबल्स हमसे छुपे हुए हैं? हम आपको इस वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं, बट विद सम कॉशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब के जाल में फंसना बहुत आसान है और इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग। ये कहानी है उन यंगस्टर्स की जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक दैट दे मेड ऑन द वेब। देहरादून इज अ स्मॉल क्वेंट टाउन, मगर यहां पर इंडिया के बेस्ट स्कूल्स हैं। स्टूडेंट लाइफ इज रियली फन, लेकिन बड़े शहरों के टीन्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दून की वैली की तरह इट्स सिंपल, स्वीट एंड फन। दिव्या, दिव्या क्या कर रही हो? स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही? हाँ मॉम, बस 2 मिनट्स मॉम, आई एम ऑलमोस्ट डन। दिव्या शर्मा एज 17, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। इनके रियल फ्रेंड्स हैं 100 और वर्चुअल फ्रेंड्स हैं 450। दीदी कितना और टाइम, खोलोगे कि नहीं? क्या है, क्यों चिल्ला रही इतना? दिमाग की शॉर्ट मत करो। स्कूल जाना है, लेट हो रही हूँ और वैसे भी आपका दिमाग शॉर्ट ही है। दिव्या फैमिली की किडो थी, वो अपने दीदी के साथ रूम शेयर करती थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब पूरे रूम पर सिर्फ उसी की चले। अंकिता शाह दिव्या की बेस्टी जब से वो दोनों 3rd स्टैंडर्ड में थे। हाय दिव्या। हाय, नाउ इट्स माय टर्न। ओके लिसन, नेहा सब दीदी द स्टेटस में, उस पे लाइक और कमेंट किया, तू भी कर। ओके ठीक है, लॉगिन तो करने दे, जल्दी कर। अरे रुक रुक तो सही। ओके ओके वेट। ए बाय द वे, तूने तेरे बर्थडे के क्या प्लान्स बनाए कल? नो प्लान। जा हाउ बोरिंग दिव्या, कल तेरा बर्थडे, वी नॉट डूइंग एनीथिंग। कल कुछ प्लान कर लेंगे, वी फिगर आउट समथिंग। लिसन लिसन, वो स्कूल के बाजू में नया रेस्टोरेंट खुला है ना, लेट्स गो देयर। Perfect, let's do that. अच्छा लेकिन ये देखना, am I being too rude to her? Yeah, you crazy, don't write that. Okay, ठीक है, I'll be sweet. A very good morning to one and all present here. Today's news headlines are: many government officials have been embarrassed in the 2G scam, including some top men in the cabinet. The rupee is at a decimal loss, and it's getting more expensive to study abroad. Thank you, and have a nice day. Now, Aditya Singh will take national pledge. Take pledge position. Aditya Singh, school ka head boy or virtual hero, teachers ka bhi favorite or students ka bhi. India is my country. Yes, and all Indians are my brothers and sisters. And all Indians are my brothers and sisters. Except one. Except one. I shall give my parents, my teachers, and my elders all the respect. And I shall give my parents, teachers, and all elders respect. And treat them with courtesy. And treat everyone with courtesy. Aditya, क्या कर रहे थे तुम? What was that? Ma'am, sorry, लेकिन मैं सबको बहन नहीं बना सकता हूँ. Tension हो जाएगा. Just shut up. Go to your class. 56 कमेंट्स और वो भी 20 मिनट्स में। लुक एट दिस यार दिव्या, सबने कमेंट किया है। मैं भी कमेंट करती हूँ, जस्ट एक्सेप्ट वन। ओके नाउ आदि इज टेकिंग अ बाउ, ही इज सो क्यूट, इजंट ही वेरी एडोरेबल? तुझे इतना क्या पसंद है आदि में? आई मीन ही इज ओके, ही इज नॉट दैट ग्रेट। आर यू मैड? स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है वो, उसके वॉल पे रेगुलरली 100 लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। And he's cute, yeah, come on, accept it. Hey, listen, उसने मेरे कमेंट पे रिप्लाई किया। He's written, it's a secret. See, I told you he's cute.
अच्छा मुझे फोन देना, मुझे भी राहुल करना है। प्लीज 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 कल ना तेरे बर्थडे पे आई एम गिविंग यू अ फोन, ट्रस्ट मी। अंकिता तुझे पता है ना मॉम कैसी है, कितनी ओल्ड फैशनड है। माय सिस्टर वाज नेवर अलाउड अ सेल फोन इन स्कूल। मुझसे मेरी बहन 4 साल बड़ी है, लेकिन मेरी मॉम की नजरों में जमाना बदला ही नहीं है। शी जस्ट डजंट अंडरस्टैंड। आई हेट हर यार। इट्स ओके, यू कैन टेक माइन, आई लव यू। हैप्पी बर्थडे बच्चा। ओह माय गॉड मॉम, इसके अंदर क्या है? खोल के देख पगली। Mom? Oh my God! Mom? Wow, this is amazing! Thank you so much! It's the best gift ever! God bless you! अब इस पर बैठ के चैटिंग मत करना, ये तेरे स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, समझ गई? ओए, हैप्पी बर्थडे! Thank you, sissy! चल, let's see. खोल के देखें। It looks amazing! It is. दीदी, चैट कर लूँ? No. क्यों, मेरा लैपटॉप है, करने दो ना। बर्थडे डोंट सी ना, सीक्रेट टॉकिंग। दिव्या के लिए लैपटॉप होना एक बड़ी बात थी, जहां उसे रोज अपनी फ्रेंड का फोन बोरो करना पड़ता था, वहीं अब ये लैपटॉप उसे मल्टीपल साइट्स पे कनेक्ट कर सकता था। इस लैपटॉप ने दिव्या की वर्चुअल सोशल लाइफ को अमेजिंग बना दिया। दिव्या, आदि ने तेरे वॉल पे कमेंट किया है। तो सबने किया। या बट आदि डिड इट। सो व्हाट्स द बिग डील? ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील। अंकिता, व्हाई डोंट यू जस्ट टेल हिम दैट यू लाइक हिम? आर यू क्रेजी? इट्स सो एंबैरेसिंग। इसमें एंबैरेसिंग की क्या बात है? तो उसको लाइक करती है तो जो बोलना चाहिए ना। पागल है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। आई एम जस्ट स्कैर्ड यार। यू आर मैड। व्हाटएवर। हे दिव्या। Adi, what's up? Hi. Hi. Happy birthday. Thank you. ये मेरे लिए? Yes, of course. Oye, thank you. दिव्या, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। मुझसे क्या कहना है? Remember उस दिन assembly में मैंने सबके सामने कहा था, all in Nizama brothers and sisters except one. Whatever, dude, Princey must have taken your case, na? Worth it था देवस। I mean सच्ची तो कह रहा था मैं। सारे मेरे भाई-बहन हैं, सिवाय तुम्हारे। What? बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। तुम्हारी साइट पे लिखने के लिए 12 बजे तक जागा था मैं। I really like you, सच्ची। आदि, get lost, you're so sick। हे दिव्या, बिगड़ क्यों रही हो? I mean सच्ची तो कह रहा हूँ, दिल खोल के रख दिया मैंने तुम्हारे सामने अपना। तो वापस बंद कर लो, because I'm not interested। और ये सब तुम्हें अंकिता को जाके कहना चाहिए। अंकिता? Who the hell is she? I mean I like you। अंकिता is my BFF and she likes you। So, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ यार। I mean तुम्हारे सिवाय I don't even look at anybody। Adi, just leave me alone, I'm not interested. और ये लो तुम्हारा stupid gift. आदित्य इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। He was stubborn. दिव्या के इतने clearly मना करने पर भी उसने अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर दिया on the net. दिव्या के इतने क्लियरली मना करने के बाद भी आदित्य ऐसी हरकत करेगा, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी वॉज शॉक्ड। शी न्यू दैट अंकिता वुड बी हर्ट, और सबसे ज्यादा उसे अपनी और अंकिता की फ्रेंडशिप की ही चिंता थी। अंकिता, I'm sorry. Just get lost. I'm really sorry. मत बोलना प्लीज। मेरी फ्रेंड है ना दिव्या। अंकिता, ऐसा मत बोल। उन्हें सबके सामने मेरी इंसल्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे प्रपोज किया। और पूरे वर्ल्ड के बाद आई गेट टू नो कि ही प्रपोज्ड टू यू। उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन आई टोल्ड हिम नो। आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू सेड यू आर नॉट इंटरेस्टेड? या बिकॉज़ आई नो यू लाइक हिम, एंड व्हाई वुड आई डू दिस टू यू? यू थिंक यू आर रियली कूल, हां? अंकिता, आई नो यू लाइक हिम, और मैंने उसको कभी ऐसी नजरों से देखा ही नहीं है।
And why would I put a boy in front of our friendship, yeah? I mean, he's so immature. Jo usne wall pe likha, that is very immature. But isn't he the best guy of our school, Divya? Hoga, but he's not my type. I like smart, intelligent, ghanto baat karne wale guys. Mature types. Surely? Surely. मेरे को वैसे गाइस नहीं पसंद है जो असेंबली में जोकर की तरह जोक्स मारते हैं। तू रख आदि को तेरे पास। ए, आदि के बारे में कुछ भी मत बोला, प्लीज। ओके माय ड्रामा क्वीन। और कहाँ मिलेंगे तुझे वो तेरे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मैच्योर और क्या बोल रही थी? घंटों बात करने वाले बोरिंग से लड़के। जब भी मिलेंगे तो मैं तुझे सबसे पहले बताऊंगी। ऑफ कोर्स। तू मेरी मदद करेगी ना ढूंढने में? No. Please. Shut up. Please. I love you. I love you too. And I'm so sorry to hurt you. It's okay. Hi Ankita. Listen, I want to tell you something. Go on my friends list and check out this guy, Arjun Singh. He's a complete hottie man. What? Who? Which guy? You know, he studies in USA and he's from Delhi. I've like given all my hearts to him. He's so hot. But Divya, you don't even know him. Matlab tu use jaan pehchan ke bina hi usse baat kar rahi hai. Kyun? Yaar, purana zamana nahi hai. It's fine. Achha banda hai. Shut up, Divya. It's not old fashioned. I just care about you. I mean, take care, yaar. You know, strangers, danger. Ankita, can you not be so boring all the time? Ab main tujhse kal baat karti hu, okay? Please, bye. Good night. It was a new start for Divya. Usse ek naya dost mil gaya tha internet par, jiske saath baatein karna usse achha lagta tha. कैसा था लेक्चर? बहुत अच्छा था यार, मुझे तुझे कुछ बताना है। द होल नाइट आई वाज चैटिंग विद हिम, आई मीन ही वाज स्पीकिंग द होल नाइट एंड ही बंक्ड हिज कॉलेज एंड ही इज सो स्वीट। दिव्या, इतनी सी टाइम में तू इतनी पागल हो गई है? अरे मैं फुल पागल हो गई हूं। हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या है? कैन वी स्टेप असाइड प्लीज? तुमने जवाब नहीं दिया उस दिन की बात का। आई वॉज वेटिंग। आई टोल्ड यू ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर क्यों? मेरी मर्जी, मुझे वैसे भी कोई और पसंद है। क्या तुम झूठ बोल रही हो? स्टॉप लाइंग, ओके? तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है क्या? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी आदि। तू उसे बोल क्यों नहीं देती दैट यू लाइक हिम? But what did he say? Just tell me. चल यार, अरे तो बोल तो सही, हुआ क्या? Just forget it. Just say you like him. दीदी, आप यहाँ पर रहे हो तो ये घर से बाहर जाकर पढ़ू? नहीं नहीं, वो मैं म्यूजिक लगा रही थी ना, बट आई विल शट द डोर। तोड़फोड़ म्यूजिक मत बजाना, ठीक है? ओके। हे अर्जुन, आई एम बैक। तुम्हारा वेबकैम ऑफ है? है दिव्या, वीडियो आ नहीं रहा है, बैड कनेक्शन शायद। ओ सैड। पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वाओ, यू आर सो प्रिटी दिव्या,
really pretty. I wish मैं भी तुम्हें देख सकती। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी हिंदी भी US accent की जैसे होगी ना? Ah, have it, you know. I kinda like it. Chicks here are so boring. You keep saying that, पर तुम्हें कैसे पता मैं कैसी हूँ? दिख रही हो। Sweet as sugar. But I also wanna see you. Yup, कल कैम फिक्स करवा लूँगा। Okay, done deal. Oh shit, मेरी सिस्टर आ गई। I'll talk to you later. Okay, bye bye, see you soon. ऐसे ही दो हफ्ते तक अर्जुन और दिव्या एक दूसरे के साथ ऑनलाइन चैट्स पर बात करते रहे। उससे ये अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट बहुत अच्छा लगने लगा था। हर बात उसे बताती, उसके हार्ट में जो कुछ भी होता बोल देती, अपने सीक्रेट्स, अपने ड्रीम्स। उसे यूं लगने लगा कि यही लव है। अर्जुन ही उसके लिए परफेक्ट है, एक अनजाना अनदेखा लड़का जो उससे हजारों मील दूर रहता था, सडनली दिव्या के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सिर्फ दो हफ्ते की दोस्ती में ही दिव्या ने अर्जुन को पब्लिकली अपना बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। ये न्यूज़ कुछ ही घंटों में पूरे स्कूल में फैल गई और ये सबका फेवरेट गॉसिप पॉइंट बन गया। दिव्या, तूने अपनी वॉल पे क्या लिखा है? सच्ची तो लिखा है। व्हाट रिलेशनशिप? कब? कैसे? अरे अंकिता, he likes me, I like him, so what's the problem? The problem is कि तू उसे कभी मिली नहीं है, ज़्यादा जानती भी नहीं है, और chat की basis पे is your boyfriend? अंकिता, तू उसे कभी नहीं मिली है, you don't know him. He's like my best friend. I mean, वो तेरे बाद ही आता है. But Divya, but Ankita, I really like him. I mean, I've never felt so much for a guy before, yeah. He's awesome, he's so amazing, he's very nice. Just stop it, Divya. तुझे समझ नहीं रहा है क्या? स्कूल में सब तेरे बारे में बातें करेंगे। You think I'm really cool? But why are you shouting at me? Oh God, I am not shouting at you. It's just that I don't like people talking about you. Forget it. You will never get it.